कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भेजा तिहाड़ जेल। सिसोदिया ने कोर्ट से क्या गुजारिश की, किस किस तरह की सुविधाएं मांगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को और 14 दिन बढ़ा दिया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को अपने दिन हाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही काटने होंगे, लेकिन जेल में इस अवधि के लिए उन्होंने कोर्ट से कुछ गुजारिशें भी की। मनीष सिसोदिया ने जेल में अपने लिए कुछ सुविधाओं की मांग की, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की बेंच ने जेल सुपरिटेंडेंट को उनकी मांगों का ध्यान रखने के निर्देश दिए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया को अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने की इजाजत होगी, जबकि वे जेल में विपश्यना या मेडिटेशन सेल में भी रह सकेंगे। मनीष सिसोदिया की अब अगली सुनवाई 20 मार्च को दोपहर 2 बजे की जाएगी। हालांकि आपको बताते चलें कि 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। अगर उसे कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाएगी, लेकिन तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने साल 2021-22 में एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में कथित तौर से किए गए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारी की गई थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उसके दोनों पूर्व मंत्रियों को जानबूझकर फंसाया गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इन्हें बिना किसी ठोस सबूत के ही गिरफ्तार किया गया है। 27 फरवरी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद से ही मनीष सिसोदिया से सीबीआई कई राउंड की गहन पूछताछ कर चुकी है। इस संबंध में मनीष सिसोदिया की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सीबीआई उन्हें कस्टडी में टॉर्चर कर रही है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि उनके साथ किसी तरह की मारपीट आदि नहीं की जा रही, लेकिन उन्हें मानसिक तौर से बहुत परेशान किया जा रहा है। सिसोदिया ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें बार बार एक ही सवाल को दोहरा दोहरा कर पूछा जा रहा है और रोजाना उनसे 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की जा रही है, जिस पर कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनसे इस तरह से सवाल ना किए जाएं। साथ ही कोर्ट ने समय समय पर उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने के भी निर्देश दिए थे। उधर मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई के व्यवहार और उसके ऐसे एक्शन पर आम आदमी पार्टी बेहद आक्रामक दिखाई दी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो जानबूझकर आपके शीर्ष नेताओं को परेशान कर रही है, जबकि उसके पास किसी तरह के कोई ठोस सबूत नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई में सीबीआई के वकील ने कोर्ट को सूचित किया था कि सीबीआई फिलहाल मनीष सिसोदिया से कोई पूछताछ नहीं करना चाहती। हालांकि 15 दिन के बाद जरूरत पड़ने पर सीबीआई जरूर उनसे पूछताछ कर सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।